मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री से पहले ही झमाझम बारिश हो गई है। सोमवार सुबह भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी प्री मॉनसून की एक्टिविटी देखने को मिली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ब्रांच कमजोर होने से मानसून गुजरात में ठहरा हुआ है। इस कारण अब मध्य प्रदेश में मानसून 19-20 जून तक प्रवेश कर सकता है। उधर भोपाल में सोमवार तड़के तेज हवा चलने के बाद बारिश हुई, बादल गरजने के साथ बिजली भी कड़की। मौसम विभाग ने सोमवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में गर्म हवा चल सकती है, यहां पर लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जैसे देख सकते हैं आप कि पिछले 24 घंटे में हमने पूर्वानुमान दिया था कि कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिरेगी, उसके साथ ही जो है कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। तो और जैसे उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर वहां पे जो है मीन्स हीट वेव टाइप कंडीशन रह सकती है। उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में जो है मीन्स सतना में चित्रकूट करके AWS वहां पे जो है सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 46.5 डिग्री सेल्सियस, तथा राजधानी भोपाल का तापमान जो रहा वो 39.6 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।